शनिवार को शहर में इस्लामिक पर्व के साथ सनातन धर्म का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां एक और मुस्लिम समाज जनों ने ईद की नमाज अता कर देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नव दंपतियों ने 7 जन्मों का वचन निभाकर सुख दुख में साथ रहने के वचन के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत की। इस महा आयोजन के हजारों लोगों ने साक्षी बनकर इस सभी नव युगल जोड़े को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का आयोजन नगरपालिका परिषद व पंडित देव दीनदयाल विचार मंच द्वारा शनिवार को कृष्णा जिनिंग परिसर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विवाह सम्मेलन में गायत्री मंत्र उच्चारण के साथ सनातन पद्धति से 111 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। इसके पूर्व दशहरा मैदान कृषि उपज मंडी से वर निकासी प्रारंभ हुई, जिसमें वर वधु के परिजनों के साथ समिति के कार्यकर्ता तथा शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। यह वर निकासी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए विवाह स्थल कृष्णा जिनिंग फैक्ट्री परिसर पहुंची। इस दौरान जगह जगह पर स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक राज्यपाल डॉ. थावरचंद गहलोत, विशेष अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुल्ला, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल, सांसद अनिल फिरोजिया की धर्मपत्नी श्रीमती संध्या फिरोजिया, प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान, जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पंडित दीनदयाल विचार मंच के संयोजक व विवाह सम्मेलन के संयोजक पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा समस्त अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत कर और इस आयोजन की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती संतोष ओपी गहलोत ने की। कार्यक्रम का आभार सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने माना। कार्यक्रम के अंत में स्नेह भोज कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। पंडाल में उपस्थित समस्त नागरिक बंधुओं, मां शक्ति, युवा दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, मैं आज इस सफल आयोजन के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंच के समस्त हमारे संयोजक और समस्त कार्यकर्ता का बंधु, नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त पार्षद बंधुओं को और सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि यह अपना कार्यक्रम, नागता नगर की जनता का अपना कार्यक्रम है और यह सफलता की उन ऊंचाइयों को लगातार छूता जा रहा है। मैं इस विवाह समारोह में जिन वर वधुओं का, जिन बहनों का आज विवाह हो रहा है, ऐसी बहनों का और वधुओं का और वरों का सबके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनके आगामी सुखद और उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामनाएं की प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।